शिकार कांड में सलमान का क्या होगा? शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। टेंशन अभी बाकी है टाइगर। काला हिरण, जोधपुर सेंट्रल जेल और जोधपुर कोर्ट, ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो फिल्म स्टार सलमान खान की जिंदगी के पन्ने पर हमेशा के लिए दर्ज हो गए हैं, वो भी ऐसी स्याही से जिसके लिखे हुए हर्फ कभी नहीं मिटते। काला हिरण शिकार केस में सलमान की कई रातें जोधपुर की जेल में गुजरी हैं। पिछले 20 सालों के दौरान कई बार कोर्ट में उनकी पेशी हुई है और अब एक बार फिर जोधपुर पहुंचे हैं बॉलीवुड के सुल्तान। जोधपुर में क्या है सलमान के जी का नया जंजाल, ये आप भी देख लीजिए। 30 दिन पहले जेल से रिहाई का जश्न, तीस दिन बाद सुल्तान की अग्नि परीक्षा, जोधपुर कोर्ट में होगी सलमान की पेशी। शिकार कांड में सलमान का क्या होगा? शिकार तो सब करते हैं, लेकिन टाइगर से बेहतर शिकार कोई नहीं करता। पेशी से पहले तनाव में सुल्तान, गुस्से में टाइगर के बॉडीगार्ड, टेंशन अभी बाकी है टाइगर। कल सलमान खान की एक और अग्नि परीक्षा है। काला हिरण शिकार केस में सजा याफ्ता सलमान करीब 30 दिन बाद एक बार फिर कोर्ट में पेश होंगे। कल कोर्ट रूम में क्या होगा, यही सोच सोचकर टेंशन में है सलमान। और सलमान की इस नई टेंशन की कहानी ने अब उनके फैंस की भी उड़ा दी है नींद। तारीख 6 मई 2018, जगह जोधपुर एयरपोर्ट, वक्त दोपहर करीब 1:30 बजे। काला हिरण शिकार केस में दोषी करार दिए गए सलमान खान एक बार फिर जोधपुर में हैं। आज दोपहर करीब 1:30 बजे भारी सुरक्षा के बीच जब सलमान जोधपुर एयरपोर्ट से बाहर निकले तो उनके चेहरे पर स्टारडम की चमक नहीं बल्कि तनाव झलक रहा था। ये तनाव है काला हिरण शिकार केस में एक बार फिर कोर्ट में पेशी का। जोधपुर कोर्ट में सोमवार को सलमान की पेशी होनी है, इसलिए वो आज ही वहां पहुंच गए। नीली जींस पैंट, आसमानी टी शर्ट और आंखों पर काले रंग का चश्मा लगाए सलमान खान को उनके बॉडीगार्ड्स चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। और जब कुछ पत्रकारों ने सलमान से सवाल करना चाहा तो सलमान का बॉडीगार्ड शेरा गुस्से में आ गया। शेरा ने एक रिपोर्टर का हाथ पकड़ा और उसे झटकते हुए रास्ते से हटा दिया। रिपोर्टर अपने सवालों के साथ वहीं रह गए और सलमान खान गाड़ी में बैठकर अपने होटल की तरफ निकल गए। काले हिरण शिकार कांड में कल जोधपुर की अदालत में जो अहम सुनवाई होने वाली है उसमें सलमान खान को पेश होना जरूरी है और इसलिए वो मुंबई से जोधपुर आए हैं। लेकिन वो अकेले नहीं हैं, सलमान के साथ उनकी बहन अलवीरा भी जोधपुर आई हैं। इन तस्वीरों में आप सलमान खान की बहन अलवीरा को देख सकते हैं। अलवीरा भी सलमान के साथ ही जोधपुर आई हैं। अपने पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड से घिरी अलवीरा जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर निकली वो भी सीधे अपनी गाड़ी की ओर बढ़ी। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं मौके पर मौजूद कई रिपोर्टर अलवीरा से सवाल पूछना चाह रहे हैं, लेकिन अलवीरा ने अपने भाई सलमान की तरह किसी भी रिपोर्टर को उनके सवाल का जवाब नहीं दिया और फिर वो भी अपनी गाड़ी में बैठकर होटल की तरफ निकल गई।
जोधपुर की अदालत में पेशी के लिए आए सलमान खान ने मीडिया के सवालों का जवाब नहीं दिया। सलमान के साथ जोधपुर आई उनकी बहन अलवीरा भी मीडिया के कैमरों से दूर ही रही और ऐसे में अब हर किसी की नजर कल होने वाली कोर्ट की कार्रवाई पर टिकी है। काले हिरण शिकार कांड में 5 अप्रैल को जब सलमान खान को दोषी करार दिया गया था तो उनके फैंस सदमे में डूब गए थे। हालांकि इसी केस में दूसरे सह आरोपी फिल्म अभिनेता सैफ अली खान, अभिनेत्री नीलम, सोनाली और तब्बू को संदेह का लाभ देते हुए अदालत ने बरी कर दिया था। शिकार कांड में अदालत ने सलमान खान को 5 साल की सजा सुनाई थी और फिर उन्हें जोधपुर की सेंट्रल जेल भेज दिया था। ये तस्वीरें उसी दिन की हैं जब सलमान खान काले हिरण शिकार कांड में कैदी बनकर जोधपुर की सेंट्रल जेल पहुंचे थे। करीब 30 दिन पहले बॉलीवुड के सुल्तान जोधपुर की इसी जेल में कैद रहे। सलमान खान एक सजा याफ्ता कैदी के रूप में लगभग 50 घंटे तक जोधपुर की इसी सेंट्रल जेल में सलाखों के पीछे कैद रहे। 7 अप्रैल को जोधपुर के जिला एवं सत्र न्यायालय ने निचली अदालत के फैसले पर रोक लगाते हुए सलमान खान को सशर्त जमानत दे दी और फिर कुछ ही घंटे बाद वो जेल से रिहा हो गए। ये तस्वीरें 7 अप्रैल की हैं जब जमानत मिलने के बाद सलमान खान जोधपुर जेल से रिहा होकर एयरपोर्ट के लिए निकले थे। जेल से लेकर एयरपोर्ट तक सलमान का काफिला जहां से भी गुजरा वहां सैकड़ों फैंस की भीड़ थी। फैंस को हटाने के लिए पुलिस को खासी मशक्कत करनी पड़ी। सफेद गाड़ी में सवार सलमान के बदन पर काली टी शर्ट थी, आंखों पर काला चश्मा और सिर पर काली टोपी। कड़ी सुरक्षा के बीच वो जोधपुर एयरपोर्ट से मुंबई के लिए रवाना हुए थे। 30 दिन पहले सलमान खान जेल से रिहाई के बाद जब मुंबई पहुंचे थे तो उनके फैंस दीवानगी की सारी हदें पार करने को बेताब थे। सलमान के चाहने वाले देर रात तक उनके घर के बाहर डटे रहे और इशारों इशारों में अपने फैंस के साथ गुफ्तगू करते रहे बॉलीवुड के सुल्तान। 30 दिन पहले फैंस का प्यार और दीवानगी देखकर सलमान का पूरा परिवार खुश था। सलमान के चेहरे पर भी खुशी थी, लेकिन रिहाई के 30 दिन बाद अब एक बार फिर टेंशन में है सलमान। काला हिरण शिकार कांड में सलमान खान को कोर्ट ने कई शर्तों के साथ जमानत दी थी। उन्हें 25,000 के 2 मुचलके भरने पड़े थे। साथ ही अदालत ने सलमान को कोर्ट की इजाजत के बगैर देश छोड़ने पर भी पाबंदी लगा दी थी। सलमान खान ने निचली अदालत के फैसले को सेशन कोर्ट में चुनौती देकर सजा के खिलाफ अपील की थी और अब सोमवार को सलमान की उसी अपील पर होने वाली है सुनवाई। एक बार फिर आमने सामने होंगे सलमान खान के वकील और सरकारी वकील। एक बार फिर सलमान के वकीलों को कोर्ट में चुनौती देते नजर आएंगे बिश्नोई समाज के वकील। सोमवार दिनांक 7/5/2018 को सलमान खान को जिला एवं सेशन न्यायाधीश जिला जोधपुर की अदालत में पेश होना है। जब तक अपील का निस्तारण नहीं हो जाएगा, निर्णय नहीं हो जाएगा, तब तक ये जमानत दी गई है, जिसके अंतर्गत सर्वप्रथम जो उनके द्वारा मुचलके पेश किए गए हैं वो मुचलके प्राप्त होंगे तथा साथ ही साथ सलमान खान व्यक्तिगत रूप से न्यायालय में उपस्थित होगा तथा अपनी उपस्थिति दर्ज करवाएगा। उसके पश्चात ही बहस की जाएगी और यदि उनके अधिवक्ता कल ही बहस करना चाहेंगे या पब्लिक प्रोसिक्यूटर यदि बहस करना चाहेंगे तो कल से भी बहस प्रारंभ हो सकती है। बिश्नोई समाज के वकील का कहना है कि वो कोर्ट में सलमान की अपील का विरोध करेंगे। दरअसल काला हिरण शिकार केस में सलमान खान को 5 साल की सजा दिलवाने के लिए बिश्नोई समाज के वकीलों ने निचली अदालत में काफी मजबूत दलीलें पेश की थीं। हालांकि सलमान खान के वकीलों ने उन दलीलों का पुरजोर विरोध किया था
लेकिन निचली अदालत में बिश्नोई समाज की दलीलें भारी पड़ी थी। कल से सेशंस कोर्ट में सलमान की अपील पर शुरू होने वाली कानूनी लड़ाई भी बेहद दिलचस्प होगी। अपील पर जिरहे के बाद आने वाले कोर्ट के फैसले पर भी टिकी होंगी सलमान के लाखों करोड़ों चाहने वालों की नजर। सलमान के वकीलों ने अपर न्यायालय में सलमान की सजा के खिलाफ जो अपील की थी, सोमवार को उस पर बहस होगी। बहस के बाद अदालत क्या निर्णय करती है, इसका खुलासा तो फैसले के बाद ही होगा। और अब देखिए सलमान के शिकार कांड की वो कहानी जिसमें उन्हें दोषी करार दिया जा चुका है। साहब, हम बांगड़ों की ठाणी से आए हैं। 1 अक्टूबर की रात को हुजूर, रात के करीब 1:30 बजे हमारी आँख खुली तो हमने घर से बाहर आकर देखा तो दूर एक गाड़ी की लाइट दिख रही थी। हमने सोचा कि शिकारी हो सकते हैं। हमने फौरन छोगाराम को जगाया और अपनी मोटरसाइकिल पर बैठाकर उस गाड़ी की लाइट की तरफ चल पड़े। फिर हुजूर, उधर हमने जाकर देखा तो एक सफ़ेद रंग की जिप्सी थी। उस जिप्सी का नंबर था RJ19 1C2201। हुजूर, उसमें वो सलमान खान हीरो है ना, वो चला रहा था और शिकार कर रहा था हुजूर। हाँ साहब, हमारे गांव के लोग भी 30 सितंबर को गुड़ा के पास जो काकड़ी रोड है ना, और वहाँ पे जो खेत है, वहाँ पे काले हिरन को उसी सफेद जिप्सी से भगाते हुए देखा था। जी हुजूर। अरे हुजूर, हमारे गांव के पास वो है ना लूणी के आसपास एक शूटिंग चल रही है ना कई दिनों से, तो हम लोग उन्हें अच्छी तरह से पहचानते हैं। कोर्ट में दर्ज चार्जशीट के मुताबिक 2 अक्टूबर 1998 को इस मामले में FIR दर्ज की गई थी। मामले की तहकीकात शुरू हुई कि क्या सच में सलमान खान ने काले हिरण को गोली मारी थी। अब आप लोग पूरा मामला शुरू से बताइए। हुजूर, 1 अक्टूबर की रात को करीब 1:30 बजे हमारी आँख खुल गई। हमने घर से बाहर आकर देखा तो बांगड़ों की ठाणी की सरहद पर एक गाड़ी धीरे धीरे कच्चे रास्ते पर घूम रही थी। हमको हुजूर शक हुआ कि जरूर ये शिकारी हो सकते हैं। हमने फौरन छोगाराम को आवाज दी और बुलाया। साहब, जैसे ही इसने मुझे आवाज दी मैं बाहर आया और मैंने तभी देखा कि खेत में कोई तो गाड़ी घूम रही है। जी हुजूर। और फिर मैंने पूनम चंद के मोटरसाइकिल पे पीछे बैठा और हम दोनों उस खेत की तरफ निकल गए। हुजूर, जब हम वहाँ पहुँचे ना तो वहाँ एक सफेद रंग की जिप्सी थी, ऊपर खुली हुई थी हुजूर, और उसका नंबर भी हम लोगों ने नोट किया था RJ19 1C2201। उसमें 7 लोग सवार थे हुजूर, 3 लड़कियां थी और उस जिप्सी को सलमान खान चला रहा था और बराबर में सैफ अली खान बैठा था हुजूर। अब हम सब तो फिल्म की शूटिंग देखने वाले हैं, पर 28 तारीख की रात को वो लोग काले हिरण का शिकार कर रहे थे और कल रात को भी वो लोग शिकार कर रहे थे। और फिर सलमान खान ड्राइवर की सीट पे खड़ा हो गया और फिर किसी ने उसके हाथ में बंदूक दे दी और फिर सबने आवाज की कि फायर करो सलमान, फायर सलमान। फिर क्या था? सलमान खान ने उस काले हिरण के झुंडों पर फायर कर दिया जिसमें से एक हिरण घायल होकर अपने झुंड के पीछे जाते हुए दुखी और दूसरे हिरण लंगड़ाते लंगड़ाते वो क्या नाम था, प्रहलाद राम बिश्नोई के जमीन पर जाकर गिर गए। और हुजूर, तब हमने जोर जोर से आवाज लगाई, शिकारी शिकारी करके बहुत जोर से आवाज लगाई। हुजूर, एक काम करते हैं, ये लोग ऐसे नहीं पकड़े जाएंगे, हम लोग गुड़ा गांव जाते हैं और वहां जाकर इनको घेर लेते हैं। हाँ, चलो मैं मोटरसाइकिल आगे निकालता हूँ। चलो। और हुजूर, फिर हम मोटरसाइकिल से जिप्सी का पीछा करने लगे और सलमान खान की जिप्सी गुणा गांव की तरफ मुड़ गई। साहब, हमने जैसे ही मोटरसाइकिल तेज की तो उन लोगों ने हमको साइड दे दी और जैसे ही हम आगे निकल गए तब इन लोगों ने अचानक जिप्सी घुमा दी और काकड़ी की तरफ बढ़ा दी। हुजूर, सारे गांव में शोर मच चुका था और इनकी जिप्सी को काकड़ी की तरफ आते देखकर शेरा राम और मांगीलाल अपनी मोटरसाइकिल से उनके पीछे करने लगे। साहब, फिर सलमान खान ने उन दोनों को बंदूक दिखा दी। हाँ हुजूर। और धमका कर जिप्सी पास से निकाल कर ले गया। वो दोनों उनको पहचान तो लिए, उनका पीछा करने की कोशिश भी की, लेकिन साहब जिप्सी पकड़ में नहीं आई
और वो लोग बड़ी तेजी से काकड़ी फाटे से होते हुए पाली रोड से होते हुए जोधपुर की तरफ निकल गए। जी हुजूर। ये देखिए साहब, दोनों हिरण अब भी यहीं पड़े, एक यहाँ और एक वो वहाँ। हुजूर, गांव में शोर मच गया था ना, तो वो लोग मरे हुए हिरणों को अपने साथ नहीं ले जा पाए। इनका पंचनामा कीजिए और आगे की जांच के लिए डॉक्टर ने पालिया आप इन दोनों हिरणों को पोस्टमार्टम के लिए ले जाइए। एक तरफ पोस्टमार्टम शुरू हुआ और दूसरी तरफ मामले की तफ्तीश। उस जिप्सी को ढूंढा गया, कहा जा रहा था कि उसी जिप्सी पर बैठकर काले हिरण का शिकार किया गया है। वो जिप्सी बरामद की गई और बताया गया कि वो सफेद जिप्सी जोधपुर के मशहूर होटल उम्मेद भवन की ट्रैवल एजेंसी महाराज सैलून के मालिक दुष्यंत सिंह के नाम पर 26 सितंबर 1998 से ही अटैच थी और होटल में वो ही इसका इस्तेमाल कर रहे थे। ये वही दुष्यंत सिंह थे जिन्हें घटना की रात चश्मदीदों ने जिप्सी पर पीछे बैठे हुए देखा था। गौर करने वाली बात यह है कि जोधपुर के उम्मेद भवन में ही अभिनेता सलमान खान ठहरे थे। बहरहाल पड़ताल आगे बढ़ी, जांच की गई और जिप्सी के ड्राइवर हरीश दुलानी को पूछताछ के लिए बुलाया गया और शुरू हुआ जिप्सी उम्मेद भवन और काले हिरण के शिकार का सच जानने का सिलसिला। काला हिरण शिकार केस की तहकीकात में जुटी पुलिस एक एक कड़ी को जोड़ते हुए जिप्सी के ड्राइवर हरीश दुलानी तक पहुंची। पूछताछ के दौरान ड्राइवर हरीश दुलानी ने किया एक चौंकाने वाला खुलासा, वो खुलासा जिसे सुनकर पुलिस वाले भी रह गए तंग। हरीश, तुम जिप्सी नंबर RJ191C2201 चलाते हो? सर, मैंने सेठ जी के कहने पर अभी कुछ दिन पहले ही 22 सितंबर को जिप्सी चलानी शुरू की थी और मेरी ड्यूटी सिर्फ सलमान खान के लिए थी। 1 अक्टूबर की रात में तुम कहाँ थे? क्या तुम सलमान की गाड़ी चला रहे थे? सर, 1 अक्टूबर को दिन में मैं उनके साथ में था, उस दिन दशहरा था और 12-1 बजे के करीब में सलमान खान ने बंबौर क्षेत्र में गाड़ी दौड़ाई तो सड़क से उतार कर हिरण के झुंडों के पीछे खेतों में और पेड़ों के बीच में गाड़ी घुमाई। मैं गाड़ी में बैठा था सर और गाड़ी में 2 बंदूकें भी थी जो फिल्म वालों की बस से उतार कर जिप्सी में रखा गया था। सर, क्या हुआ था उसके बाद? सर, उस रात 12:15 बजे जब मैं उम्मेद भवन होटल की पीछे की तरफ एक दूसरे होटल पर अपनी जिप्सी में बैठा हुआ था तो दुष्यंत सिंह ने आकर मुझे अपनी कार की चाबी दी थी। ये कार तुम पैलेस में रखो और जाकर सो जाओ। कहाँ गए थे ये लोग? सर, जिप्सी की ड्राइविंग सीट पर सलमान खान और उसकी पास वाली सीट पर सैफ अली खान और उसके पीछे सोनाली बेंद्रे, टब्बू और नीलम और उसकी दूसरी वाली पीछे वाली सीट पर दुष्यंत सिंह और दिनेश गावर बैठकर कहीं निकल गए। कहाँ गए थे? सर, ये तो मुझे नहीं मालूम है। उनके जाने के बाद में दुष्यंत की कार लेकर मैं उम्मेद भवन के लॉन में जाकर सो गया था। उसके बाद क्या हुआ? सर, रात में 3 बजे ये 7 लोग वापस आ गए और दुष्यंत ने मुझे उठाया। हरीश, हरीश, कल सुबह जल्दी आ जाना, ठीक है? उसके बाद मैं घर जाकर सो गया। फिर सुबह जब उठा तो देखा गाड़ी में जगह जगह धूल लगी हुई थी और कांटे लगे हुए थे और ड्राइवर साइड के दोनों टायर पंचर थे। सर, बाद में मुझे पता चला कि रात में ये लोग कांकड़ी क्षेत्र में भी शिकार करने गए थे और गांव वालों के डर से ये लोग भाग गए। उस दिन के अलावा किसी और दिन भी ये लोग शिकार के लिए गए थे क्या? हाँ सर, 26 सितंबर को सलमान खान और सैफ अली खान कुछ लोगों के साथ भवाद रोड पर हिरण चिंकारा का शिकार करने गए थे। सर, 29 सितंबर को सलमान खुद जिप्सी चला रहे थे और मुझे पीछे बढ़ाया था और लोनी इलाके में हिरणों के झुंड के पीछे गाड़ी दौड़ा रहे थे। सर, कौन कौन था इनके साथ में? सर, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और सैफ अली खान, नीलम। काला हिरण शिकार केस की सुनवाई करीब 20 साल तक चली। इस केस में सलमान खान को अदालत दोषी करार देते हुए 5 साल की सजा सुना चुकी है। निचली अदालत के फैसले के खिलाफ सलमान खान ने ऊपरी अदालत में जो अपील की थी, सोमवार को अब उसी पर सुनवाई होने वाली है। इस केस से जुड़ी हर खबर पर बनी रहेगी हमारी भी नजर। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर।
ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।